दोस्तों, अभी आया हूँ जू देखने के लिए मैसूर। ये देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का एक गेट। ये देख सकते हैं मैसूर का जू देखने का गेट। ये देखिए मैसूर फेमस जू पार्क। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ अंदर। देखिए ये है अंदर का व्यू कितना अच्छा है। आज संडे का दिन है इसलिए आदमी ज़्यादा आया है। तो दोस्तों अभी टिकट मिल गया मेरे को। आप लोगों को दिखाएंगे कितना रुपये लिया। 100 रुपीज़ लिया। तो अभी ये है, इधर भी एक गेट है, यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये है मैप। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, सारे आप लोगों को दिखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से शुरू होके देख सकते। तो चलिए चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों बस स्टैंड से यहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लगेगा और यहाँ का टाइमिंग है सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक। ये जू 150 पर 7 एकड़ में फैला है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइगर, हाथी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हिरन। तो आप लोगों को एक एक करके दिखाते और आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए 3 से 4 घंटा तक लग जाएगा अच्छे से आप लोग देखना चाहेंगे तो। तो चलिए दिखाते एक एक करके आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर है मीना पक्षी, देखिए कितना अच्छा करके खेल रहे हैं दोस्तों, देख के तो बहुत ही मज़ा आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, कितना अच्छा देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दूसरा दिखाते हैं और। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आदमी जा रहा है देखने के लिए, बहुत ही आदमी जा रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ मैसूर जू पर देखने के लिए। यहाँ पर देखिए रोड भी है और यहाँ पर देखिए वॉशरूम भी है यहाँ। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को टाइगर दिखाते हैं अभी। देखिए कितना आदमी देख रहा है टाइगर को यहाँ से खड़ के। देखिए कितना भीड़ लगा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए चीता टाइगर, इसको चीता बाघ कहता है, जो कि ये झाड़ पे भी चढ़ सकता है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा करके बैठा है, आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ से ग्लास फिट कर दिया। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दूसरा दिखाते हैं और क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी है 2 टाइगर। तो चलिए आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एक ही साथ सो रहा है, वाइट और ब्लैक कलर। देखिए कितना अच्छा करके सोया है दोस्तों, मस्त करके सो रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पर है शेर, जंगल का शेर, सबसे बड़ा शेर है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहे आप लोगों को, दिखाता हूँ, जूम कर रहा हूँ फिर भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 एक ही साथ बैठा है शेर, अच्छा से नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ से धूप आ रहा है, वो तरफ से धूप आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अभी दूसरा दिखाते हैं। यहाँ पर है दोस्तों जिराफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिराफ कितना अच्छा करके खड़ा है दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ जिराफ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं देखा जिराफ को। देखिए दोस्तों मस्त दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर है हिरन, देखिए एक ही साथ कितना खड़ा है दोस्तों, इसको हिरन कहता है दोस्तों। देखिए आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर हिरन है और यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है, देखिए कितना अच्छा क्यूट दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए ये भी हिरन है, ये बहुत छोटा है लेकिन इसका शिंग आया है। देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा शिंग दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये बहुत छोटा है।
तो चलिए आप लोगों को दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हिरन है लेकिन तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है भालू, कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, नीचे बैठा है दोस्तों, बहुत क्यूट दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जाली लगा है, मस्त दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए और दिखाते हैं दूसरा, यहाँ पर भी देखिए और एक भालू पानी में जा रहा है दोस्तों, देखिए अभी पानी में ये उतर रहा है, शायद गर्मी लगा है इसलिए पानी में उतर रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दूसरा दिखाते हैं और, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाथी, चार हाथी एक ही साथ खड़ा है दोस्तों, यह जंगली हाथी, देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर देखिए चार एक ही साथ खड़ा है दोस्तों, शायद भूख लग रहा है इसलिए। तो चलिए दोस्तों और दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पर है जंगली बैल, देखिए ये का यहाँ पर देखिए खाना, ये घास दे रहा है एक आदमी, उसको कुछ नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए हिरन, ये कौन सा हिरन है मुझे मालूम नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंदर, जो कि सालों बहुत साल पहले था ये बंदर, लेकिन अभी कम है, आप लोग को अच्छा से दिखाता हूँ, थोड़ा ये क्लियर नहीं दिख रहा। देखिए एक ही साथ दो है, मस्त, वही पहली बार देख रहा हूँ ऐसा बंदर दोस्तों, देखिए अभी चला जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और दिखाते हैं, देखिए यहाँ का व्यू कितना मस्त है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए होटल भी है, खाने के लिए होटल भी मिलेगा आप लोगों को, देखिए कितना बड़ा होटल है, आदमी यहाँ का बाहर बाहर से आदमी भी आया है यहाँ पर देखने के लिए, इंग्लैंड का आदमी बहुत ही है दोस्तों। और देखिए ये है दोस्तों गंडर, आप लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग इसको गंडर कहता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसा करके जा रहा है, मस्त दिख रहा है दोस्तों। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ गंडर को, आज तक मैं नहीं देखा, मोबाइल में तो बहुत देखा हूँ लेकिन आज तक नहीं देखा, तो पहली बार देख रहा हूँ मैसूर में आके। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को सांप, दिखाते हैं कितना रकम का सांप है, यहाँ पर देखिए कितना मोटा सांप है, आप लोगों को सांप दिखाता हूँ अभी, देखिए ये है सांप। यहाँ पर है दोस्तों, इसको दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहते हैं एनाकोंडा, इसको तो मेरे को मालूम है इसका नाम, और बाकी का किसी का नाम मालूम नहीं। तो देखिए एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप, देखिए पानी का अंदर है ये, कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को दूसरा सांप दिखाते हैं और क्या क्या सांप है, यहाँ पर देखिए और एक सांप कैसे करके जा रहा है, देखो देखो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है इसका मुंडी, देखो वाह दोस्तों अमेजिंग दोस्तों। तो चलिए और दूसरा सांप दिखाते हैं, कितना रकम का सांप है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ इसमें है केकू, आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, केकू आप लोगों को तो पता ही है, झाड़ पे ज्यादा रहता है, जंगल में झाड़ जो रहता है ना, सूखा झाड़ में ज्यादा रहता है ये, इसका नाम है केकू। तो यहाँ पर भी देखिए और कितना रकम का सांप है, लेकिन इसका नाम मालूम नहीं है आपको। तो यहाँ पर भी है देखिए तीन चार एक ही साथ, वो भाई सब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना सांप एक ही साथ है दोस्तों। और ये देखिए ये इसका नाम भी मालूम नहीं मेरे को, ये कौन सा सांप है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा छोटा सांप, ओ भाई साहब ये बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, ये देखिए पत्ते के जैसा कलर इसका, ग्रीन ग्रीन कलर इसका, देखिए कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी है और बहुत ही अच्छा अच्छा साफ है। तो दोस्तों यहाँ पर है गेंडा, जो कि ये पानी में ज्यादा रहता है, इसका नाम है गेंडा,
सेम गंडर के जैसे दिखता है दोस्तों। तो चलिए ये भी देखें। तो दोस्तों अभी दिखाते हैं आप लोगों को कुमीर। तो चलिए अभी कुमीर दिखाते हैं। वो भाई साहब देखिए कितना बड़ा कुमीर है, कितना मस्त दिख रहा है धूप में कैसा करके बैठा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है कुमीर धूप में कैसा करके, ये है जैसा शायद लग रहा है मर गया लेकिन नहीं मरा ये, देखिए दोस्तों। तो चलिए और दूसरा दिखाते हैं कुमीर, कौन सा कुमीर है यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों ये है पानी में सोया है कुमीर, ये भी कुमीर है। और यहाँ का डिजाइन देखिए कितना मस्त डिजाइन बनाया है। और यहाँ पर भी कुमीर है, तो ये कुमीर अलग ही है, सबसे अलग कुमीर है ये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए कसीम कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, एक ही साथ सभी बैठा है लाइन करके बैठे है दोस्तों। देखिए दोस्तों कसीम, इसको कसीम बोलते हैं, बच्चा भी है बड़ा भी है सभी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा कसीम है, ये जाली में अटका दिया इसको, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जिराफ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ दोस्तों, देखिए कितना मस्त दिख रहा है जिराफ, लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों तो चलिए यहाँ पर भी देखिए और एक जिराफ है, कितना बड़ा लंबा है। तो चलिए चलते अभी बाहर। तो दोस्तों मैसूर जू प्लेस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया, मैसूर सबसे फेमस जगह, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा है। तो वो तो भाई बहुत ही, मेरा 3 घंटा लगा है पूरा देखने के लिए, बहुत ही मस्त है। ये देखिए यहाँ पर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को ऐसा मज़ेदार वीडियो मिलते रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे होंगे तो दोस्तों फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।